नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट वंडर स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है 2499 में। तो प्राइस के हिसाब से जो फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं काफी अच्छे हैं, क्योंकि ये है एक कूलिंग वॉच और इसमें है 1.8 इंच का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले। इसके अलावा बात करते हैं दूसरे मेन फीचर्स की, तो इसमें है इनबिल्ट गेम्स, 120 प्लस स्पोर्ट्स मोड, वॉइस असिस्टेंट, प्ले फोन म्यूजिक, मतलब आप अपने फोन का म्यूजिक अपनी वॉच में प्ले कर सकते हो। इसके अलावा इसमें है SpO2 एंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्मार्ट नोटिफिकेशन, कैमरा कंट्रोल, IP67 वाटर असिस्टेंट, वेदर अपडेट्स, 7 डे बैटरी लाइफ, स्लीप ट्रैकिंग और 8 थीम्स मोड। आप अपना जो मेन मेनू है उसे चेंज कर सकते हो अलग अलग व्यू में। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप, हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। तो ये है वो चीजें जो आपको मिलती है इस बॉक्स के अंदर, यूजर मैनुअल, वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड, वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है यहां पे दिया गया है, आपको इस वेबसाइट पे लॉगिन करना है, अपनी डिटेल फिलअप करनी है और आपकी वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। यह है बोल्ट प्ले ऐप का मेंबरशिप वाउचर, गाना प्लस सब्सक्रिप्शन 3 महीने के लिए और बुक माई शो का गिफ्ट वाउचर। इन वाउचर्स को रिडीम करने के लिए आपको सबसे पहले इस स्मार्ट वॉच का रिव्यू पोस्ट करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट या जहां से भी आपने परचेस किया है वहां पे। फिर आपको उस रिव्यू का स्क्रीनशॉट सेंड करना है फायरबोल्ट को, फिर आपको मिलेगा कूपन कोड और फिर आप इन वाउचर्स को रिडीम कर सकते हो। यह है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से चार्जिंग करना है, ये अटैच हो जाता है मैग्नेटिकली। चार्जिंग करने के लिए आपको लगेंगे 2 घंटे और आपको मिलेगा 7 दिन का बैटरी बैकअप, लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का जो चार्जिंग अडाप्टर है उसका यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच के बैटरी लाइफ के लिए। या फिर आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो यूएसबी पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। बात करते हैं इस वॉच के फिजिकल ओरियो की, तो राइट साइड में आपको मिलती है एक बटन, यह है मेटालिक बटन। जो बॉडी है इसकी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, स्ट्रैप्स भी काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। ऊपर में आपको मेटालिक बकल मिलता है, 2 स्ट्रैप्स होल्डर दिए गए हैं। यह है इनबिल्ट स्पीकर कॉलिंग और म्यूजिक के लिए और यहाँ पे है माइक। बैक में है हार्ट रेट, SpO2 सेंसर और ब्लड प्रेशर सेंसर भी इसमें दिया गया है। आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है, पहले आपको इसे सीधा करना है पिन को, फिर नीचे की ओर खींचना है और फिर इससे बाहर करना है। इस तरीके से इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में अलाइन करना है, फिर ऊपर वाली पिन को खींचना है नीचे और ऊपर वाले होल में अलाइन करना है इस तरीके से। तो अब हम करेंगे इसे स्विच ऑन, लेकिन स्विच ऑन करने से पहले आपको इसे एटलीस्ट 2 घंटे के लिए चार्ज करना है। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, अब मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, जब लोगो शो करेगा तब आपको उंगली रिलीज कर देनी है। वॉच जो है स्विच ऑन हो चुकी है, अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है दाफिट। तो दाफिट इसे आपको डाउनलोड कीजिए, फिर आपको करना है इसे ओपन। अपना जेंडर, बर्थडे, डे, मंथ और ईयर को आपको यहां पे सेट करना है, आपकी हाइट सेंटीमीटर में, इसके अलावा आपका वेट केजी में और फिर आपको करना है टिक पे टैप, अलाउ कीजिए। फिर जो ऊपर में लिखा हुआ है टू ऐड, आपको इस पर टैप करना है। वाइल यूजिंग द ऐप टैप कीजिए। ब्लूटूथ ऑन करने के लिए अलाउ कीजिए। आपकी वॉच स्विच ऑन होनी चाहिए, आपको वेट करना है। यहां पे शो करेगा फायरबोल्ट 047, इसका नंबर है 047, तो इस पर टैप कीजिए।
डिवाइस के टैब पे आना है आपको, और जब यहाँ पे बैटरी परसेंट शो करेगा तब आपकी वॉच पेयर हो जाएगी, आपको वेट करना है। तो बैटरी परसेंट शो कर रहा है मतलब कि आपकी वॉच पेयर हो चुकी है। इसके बाद आपको अगर अपनी वॉच में कॉलिंग के फीचर को यूज करना हुआ तो आपको करना है पेयर। इसके बाद अब कोई भी कॉल आएगा तो आप अपनी वॉच में रिसीव कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉच फेस के बारे में, किस तरीके से आपको वॉच फेस को चेंज करना है, डाउनलोड करना है। तो आपको वॉच फेस पे टैप करना है, आपको मिलेंगे यहाँ पे 10 इनबिल्ट वॉच फेसेस, आपको जिसे चेंज करना है आपको बस उस पर टैप करना है और वो वॉच फेस अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डाउनलोड करना है कोई भी वॉच फेस तो आपको मोर वॉच फेस पे टैप करना है, आपको मिलेंगे यहाँ पे 150 वॉच फेसेस, आपको जिसे डाउनलोड करना है आपको उस पर टैप करना है। मान लो मुझे अब ऐसा कोई वॉच फेस डाउनलोड करना है जिसमें बैटरी परसेंटेज शो करे, तो ये है वो वॉच फेस जिसमें बैटरी परसेंट भी शो करता है, तो मैं इस पर टैप करूंगा और करूंगा डाउनलोड। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी हुई वॉच फेस पे तो आप वो भी कर सकते हो। वॉच फेस 7 के सामने लिखा होगा एडिट, आपको उस पर टैप करना है एडिट पे, फिर सिलेक्ट पिक्चर पे टैप करना है। जो फोटो आपको सेट करनी है उस फोटो को आपको सिलेक्ट करना है। मान लो मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पर टैप करूंगा। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने हिसाब से, फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम पोजीशन, आपको टाइम कहां पे शो करना है, ऊपर या नीचे, तो मैं करूंगा अब बिलो मतलब नीचे। इसके अलावा टाइम के ऊपर आपको क्या शो करना है, टाइम के ऊपर है डेट, या आप अपने हिसाब से स्लीप, हार्ट रेट, स्टेप्स चेंज कर सकते हो। तो मान लो मैं करता हूं टाइम के ऊपर स्टेप्स और टाइम के नीचे डेट, तो आप इन दो चीजों को शो कर सकते हो टाइम के ऊपर और नीचे। फिर जो फॉन्ट का कलर है आप उसे भी चेंज कर सकते हो, आपको जो कलर शो करना है उस पर टैप कीजिए और फिर कीजिए सेव पे टैप इसे सेव करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब बात करते हैं नोटिफिकेशंस के बारे में, तो इस पर टैप कीजिए, आपको इसे ऑन करना है फोन को, परमिशंस को अलाउ कीजिए। फिर मैसेज भी अगर देखना हुआ आपकी वॉच में तो आपको इसे ऑन करना है, परमिशन को अलाउ कीजिए। और इनमें से किन एप्स की नोटिफिकेशन आपको देखनी है उन एप्स को आपको ऑन करना है। तो मान लो मुझे चाहिए ट्विटर, फिर आपको करना इनेबल, डाफिट ऐप को ऑन करना है अलाउ कीजिए, बैक जाइए। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो इतने एप्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको सभी एप्स की नोटिफिकेशन देखनी है अपनी वॉच में तो आपको करना है अदर्स। अगर आप अदर्स करोगे तो आपके फोन में जितने भी एप्स है उन सभी एप्स की नोटिफिकेशंस शो करेंगी आपकी वॉच में, लेकिन उससे बैटरी ज्यादा यूज होगी आपकी वॉच की, इसीलिए आपको सभी एप्स को ऑन नहीं करना है। जो काम के हैं आपको उन्हीं को ऑन करना है। दोस्तों अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच पे। तो इस तरीके से आपको कॉल शो होगा, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा, यहां से आप कॉल को रिसीव कर सकते हो, कट कर सकते हो। और ये जो वॉल्यूम का ऑप्शन है तभी वर्क करेगा जब आप इससे रिसीव करोगे। तो हम करते हैं इससे रिसीव, तो हमने कॉल को रिसीव कर लिया है, ये है वॉल्यूम के लिए ऑप्शन, और आप यहां से कट कर सकते हो। कॉल जब आता है तो रिंगटोन प्ले होती है, हालांकि आप इसे साइलेंट या म्यूट नहीं कर सकते, आपको कट करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि रिंग बजे ना, तो आप जाइए सेटिंग्स में, कॉल अलर्ट में, और आपको मोड को करना है वाइब्रेट। अब केवल होगा वाइब्रेट, जब भी कॉल आएगा वाइब्रेट होगी आपकी वॉच, रिंग नहीं बजेगी। अब केवल वाइब्रेट हो रही है वॉच, रिंग नहीं बज रही है। अगर आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करना चाहते, आप चाहते हो केवल कॉल का अलर्ट शो करे, लेकिन कॉल को मुझे रिसीव नहीं करना है अपनी वॉच में, कॉल को मुझे फोन पे ही रिसीव करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके लिए आपको फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स को ओपन करना है, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए
और जो लिखा हुआ है ऑडियो फायरबोल्ट 047 इस पर टैप कीजिए। अब ये अनपेयर हो चुकी है। तो इस तरीके से कॉल का रिमाइंडर शो करेगा, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा और आप यहां से इस कॉल के प्रीव्यू को रिमूव कर सकते हो और इसे कट भी कर सकते हो। हालांकि यहां से आप रिसीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको वापस कॉल को रिसीव करना है अपनी वॉच में तो आपको इसी ऑडियो फायरबोल्ट 047 पे टैप करना है और ये अब पेयर हो जाएगा। अब आप अपनी वॉच पे कॉल को रिसीव कर पाओगे। दोस्तों अब देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच पे। तो SMS रिसीव हो चुका है, आप यहां पे इसका प्रीव्यू देख सकते हो। कॉन्टैक्ट का नाम यहां पे शो करेगा और यहां पे हिंदी फॉन्ट सपोर्ट करते लेकिन इमोजी सपोर्ट नहीं करते। और आपने अगर इसे देखना मिस कर दिया तो आपको स्वाइप अप करना है इस तरीके से और ये है आपका मैसेज। आप इस पर टैप करके रीड कर सकते हो। स्वाइप अप कीजिए, आपको पूरा मैसेज यहां पे शो नहीं करेगा लेकिन 6-7 लाइन यहां पे आप रीड कर सकते हो। और हालांकि आप एक एक मैसेज को भी डिलीट कर सकते हो, यहां पे टैप कीजिए और ये मैसेज डिलीट हो जाएगा। या फिर आप सभी को एक साथ अगर क्लियर करना चाहते हो तो आपको नीचे में मिलेगा ऑप्शन क्लियर ऑल का, आप यहां से सभी को एक साथ क्लियर कर सकते हो। दोस्तों अब देखते हैं अगर आपको कोई भी WhatsApp मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। WhatsApp मैसेज आ चुका है और अच्छी बात यह है कि SMS और WhatsApp दोनों के लिए डिस्प्ले इसका ऑन होता है और वाइब्रेट भी होती है वॉच और आप स्वाइप अप करके इस मैसेज को रीड कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपने इसे मिस कर दिया देखना तो आपको पता है आपको स्वाइप अप करना है और यहां पे आप अपने मैसेज को रीड कर सकते हो टैप करके। यहां पे आप एक साथ लेटेस्ट 7 मैसेज को रीड कर सकते हो। फिर है अलार्म्स का ऑप्शन, तो आप एक साथ यहां पे 3 अलार्म्स को ऐड कर सकते हो। आपको टाइम पे टैप करना है, ये है आवर और ये है मिनट। टाइम सेट कीजिए कौन से दिन के लिए आपको अलार्म सेट करना है, उस दिन को आपको यहां पे चूज करना है। फिर करिए सेव पे टैप। इस तरीके से आप अलार्म को सेट कर सकते हो। आप यहां से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। जो भी अलार्म्स आपने सेट किए होंगे वो आप देख सकते हो अपनी वॉच में भी और वहां से भी उन्हें ऑन ऑफ कर सकते हो। और जब भी टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। फिर है शटर, तो इस पर अगर आप टैप करोगे तो आपकी वॉच में ओपन होगा शटर बटन और आप उसके जरिए आपके फोन से फोटो कैप्चर कर सकते हो। तो आपको इस पर टैप करना है वाइल यूजिंग दी ऐप कीजिए। यहां पे हो चुका है शटर बटन ओपन, आपको बटन पे टैप करना है, फोटो कैप्चर हो जाएगी 3 सेकंड के टाइमर के बाद। यह आप चेक करके भी फोटो कैप्चर कर सकते हो। यहां से फ्लैश को ऑन ऑफ करना है और यहां से कैमरा को रोटेट करना है, बैक जाइए। फिर है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, तो आप अपने जो कॉन्टैक्ट्स है उन्हें सेव करके रख सकते हो अपनी वॉच में, मैक्सिमम 8 कॉन्टैक्ट्स। तो आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट्स पे टैप करना है, ऐड पे टैप कीजिए। जो भी कॉन्टैक्ट्स आपको ऐड करने हैं आपको उस नंबर पे टैप करना है, जैसे आप टैप करोगे उसके सामने टिक आ जाएगी। तो मैं ऐसे 8 कॉन्टैक्ट्स को सेट कर लेता हूं, तो मैंने 8 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपको करना है डन पे टैप। जिस ऑर्डर में आपको यहां पे शो कर रहे हैं सेम उसी ऑर्डर में आपको वॉच में भी शो करेंगे। तो इन्हें ऊपर नीचे करने के लिए आपको 3 बार पे लॉन्ग टैप करके ड्रैग करना है और आप इन्हें इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हो। फिर आपको करना है डन सेव करने के लिए। इन कॉन्टैक्ट्स में ऐसा कोई भी नंबर आपको ऐड नहीं करना है जिसमें हैश या स्टार हो। अगर आप ऐसा कोई नंबर ऐड करोगे तो आपके जो सारे कॉन्टैक्ट्स है वो सिंक नहीं होंगे। तो कॉन्टैक्ट्स सिंक हो चुके हैं, तो अगर आप जाओगे वॉच में कॉन्टैक्ट्स में, ये रहा कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन, इस पर टैप कीजिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स यहां पे शो करेंगे जो आपने अब सिंक की है ऐप के जरिए। फिर इसके बाद है अदर्स का ऑप्शन, तो इस पर टैप कीजिए। सबसे पहले है फाइंड डिवाइस, तो आप अगर इस पर टैप करोगे तो आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट और उसमें साउंड प्ले होगा ताकि आप अपनी वॉच को ढूंढ सको। तो इसके जरिए आप अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। फिर है टाइम फॉर्मेट, तो टाइम आपको कौन से फॉर्मेट में शो करना है आपकी वॉच में आप यहां से सेट कर सकते हो। अगर मैं 24 आवर करूंगा तो टाइम इस तरीके से शो करेगा, आप देख पा रहे हो, लेकिन अगर मैं 12 आवर करूंगा तो अब इस तरीके से शो करेगा। तो आप कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर है यूनिट सिस्टम, तो दो होता है सिस्टम, एक होता है मेट्रिक और होता है इंपीरियल। हमें मेट्रिक ही चूज करना है क्योंकि इंपीरियल अगर आप करोगे तो आपका डिस्टेंस माइल्स में होगा और आपका वेट पाउंड्स में शो करेगा, लेकिन मेट्रिक करोगे तो आपका डिस्टेंस मीटर या किलोमीटर में शो करेगा और आपका वेट केजी में शो करेगा। तो हम करेंगे मेट्रिक। फिर है डू नॉट डिस्टर्ब,
तो अगर आप डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी कॉल या नोटिफिकेशन नहीं आएगी और कोई भी साउंड या वाइब्रेशन नहीं होगा। तो आप टाइम के हिसाब से यहां पे इसे सेट कर सकते हो, जो टाइम आप यहां पे सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर वर्क करेगा। फिर है रिमाइंडर्स टू मूव, मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर। अगर आप एक घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे बैठे हुए हो आइडली, तो आपको आता है एक अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो ये जो अलर्ट है हर एक घंटे आएगा अगर आप एक्टिविटी नहीं करते तो, सुबह के 10 से लेकर रात के 10 बजे तक ये अलर्ट काम करता है। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप इसे ऑन कर सकते हो। फिर है कंटिन्यूस हार्ट रेट डिटेक्शन। तो अगर आप हार्ट रेट को ऑटोमेटिक पे सेट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो वॉच के जरिए हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहे, तो आपको इस पर टैप करके जो टाइमर है उससे सेट करना है। मान लो अगर मैंने किया है 30 मिनट, तो हर आधे घंटे के बाद मेरी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा। लेकिन इससे बैटरी ज्यादा यूज होती है, इसलिए मैं इसे करूंगा क्लोज और मैं जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकता हूं। फिर है कंट्रोल फोन म्यूजिक। तो अगर आप चाहते हो अपनी वॉच के जरिए अपने फोन के म्यूजिक को कंट्रोल करना, तो आपको इसे करना है ऑन। इसके बाद है बैटरी सेविंग। अगर आप बैटरी सेविंग को ऑन करोगे तो होंगी तीन चीजें। एक तो इसमें ब्राइटनेस कम हो जाएगी, वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा, और जो क्विक व्यू है मतलब रेस्ट टू वेक का फीचर वो भी काम नहीं करेगा। तो अगर आपकी वॉच में बैटरी कम हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। लैंग्वेज आपको इंग्लिश रखनी है। फिर है ऑटो लॉक, मतलब कि डिस्प्ले कितने सेकंड के लिए ऑन रहना चाहिए। अब है 5 सेकंड, मतलब कि डिस्प्ले को अगर आपने एक बार ऑन किया तो 5 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन आप अगर चाहो तो इसे और बढ़ा सकते हो, तो मैक्सिमम आप कर सकते हो 30 सेकंड तक, मतलब कि आप 30 सेकंड तक डिस्प्ले को ऑन रख सकते हो। लेकिन मैं अब करूंगा 15 सेकंड ताकि बैटरी ज्यादा यूज ना हो। तो 15 सेकंड के लिए अब डिस्प्ले ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। फिर है रिसेट करने का ऑप्शन। तो आप जो भी डेटा है इस ऐप में और इस वॉच में, उस डेटा को क्लियर कर सकते हो रिसेट पर टैप करके। फिर है क्विक व्यू, मतलब कि रेस टू वेक का फीचर। डिस्प्ले अगर ऑफ है, अगर आप अपनी वॉच को ऊपर उठाओगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, इसे कहते हैं क्विक व्यू। तो आप इसे यूज कर सकते हो, इसे ऑन कीजिए। आप टाइम के हिसाब से भी इसे ऑन कर सकते हो। तो आप स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट कीजिए, जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। लेकिन अगर आपको ऑल द टाइम इसे यूज करना है तो आपको इस टाइम को चेंज नहीं करना है। इसके बाद है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर। तो आप पानी पीने का जो रिमाइंडर है उसे भी सेट कर सकते हो, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद सुबह में कितने बजे से आपको स्टार्ट करना है पानी पीना। तो मान लो मैंने स्टार्ट किया है सुबह में 9 बजे, कितनी बार आपको पानी पीना है। तो मान लो मुझे पीना है दिन में 6 बार, और हर कितने घंटे के बाद पानी पीने का रिमाइंडर आपको चाहिए। तो मैं चाहता हूं हर 2 घंटे के बाद पानी पीने का रिमाइंडर मुझे चाहिए, तो मैं करूंगा 120 मिनट। तो हर 2 घंटे के बाद मुझे पानी पीने का रिमाइंडर आएगा अपनी वॉच में। फिर है हार्ट रेट वार्निंग। तो अगर आपने इसे ऑन नहीं किया है, तो अगर आपका हार्ट रेट 192 तक जाता है तो आपको आएगा हार्ट रेट वार्निंग आपकी वॉच में। अगर आप इसे कम करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हो, तो आपको इसे ऑन करना है और अपर लिमिट आपको सेट करनी। मान लो मैंने सेट किया है 150, तो अगर 150 या उसके ऊपर जाता है मेरा हार्ट रेट, तो मुझे आएगा हार्ट रेट अलर्ट मेरी वॉच में। फिर है वेदर इंफॉर्मेशन के लिए सेटिंग्स। तो आपको इसे ऑन करना है। टेम्परेचर सिस्टम आपको सेल्सियस रखना है। सिटी आपको अपनी सर्च करनी है। मान लो मुझे अगर सर्च करना है मुंबई, तो मैं करूंगा मुंबई। आप जिस भी सिटी में रहते हो आपको उस सिटी का नाम सर्च करना है, या आप अपना पिन कोड भी सर्च कर सकते हो, तो आपको उस सिटी का वेदर शो करेगा आपकी वॉच में। फिर है फीमेल लोगों के लिए फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर। तो आपको इसे ऑन करना है अगर आप अपने पीरियड को ट्रैक करना चाहते हो। तो साइकिल डेज नॉर्मली कितना होता है, 28-29, तो आपको अपने हिसाब से सेट करना है। फिर है मेंस्ट्रुअल डेज, तो कितने दिन के लिए पेन रहता है आपको, वो डे आपको यहाँ पे सेट करना है। लास्ट टाइम आपको कब आया था पीरियड, वो डेट आपको सेट करनी है यहाँ पे। इसके बाद रिमाइंडर मोड, तो आपको चाहिए मेंस्ट्रुअल रिमाइंडर पीरियड के लिए, इसे ऑन कीजिए। इसके बाद रिमाइंडर टाइम, मतलब कि अब नेक्स्ट टाइम जब आपको रिमाइंडर आएगा तो कितने बजे आपको रिमाइंडर चाहिए। मान लो मुझे चाहिए सुबह में 8 बजे, इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको पीरियड आने वाला होगा, आपको उस दिन रिमाइंडर मिलेगा सुबह में 8 बजे। और आप अपना जो कैलेंडर है, साइकिल कैलेंडर, उसे यहाँ पे देख सकते हो, और यहां से आप अपने मंथ को भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। और फिर लास्ट में है अपग्रेड का ऑप्शन।
तो अगर आपकी वॉच में अपडेट अवेलेबल होगा तो यहां पे शो करेगा और आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है प्रोफाइल सेटिंग्स का, इस पर टैप कीजिए। सबसे पहले प्रोफाइल, तो आप इस पर टैप करके जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट, स्टेप लेंथ को, मतलब कि जो कदमों की लंबाई है उससे चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। इसके बाद है गोल, रोजाना आपको कितने स्टेप चलने हैं, आप अपना जो डेली स्टेप गोल है उसे चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन गाइड, इसके लिए आपको करनी है दो चीजें। आपको इसे ओपन करना है रिसेंट एप्स में, ऐप इन्फो में जाना है, बैटरी पे टैप कीजिए और आपको करना है इसे अनरिस्ट्रिक्टेड पे सेट, मतलब कि जो ऐप होगा बैकग्राउंड में अच्छे से वर्क करेगा ताकि आपकी वॉच और ऐप एक दूसरे के साथ डिसकनेक्ट ना हो। इसके बाद आपको सेम तरीके से इसे रिसेंट ऐप्स में ओपन करना है और करना है लॉग दिस ऐप, लॉग का आइकन शो करेगा, मतलब कि जो ऐप होगा अब बैकग्राउंड से कभी भी रिमूव नहीं होगा। फिर है गूगल फिट, तो अगर आप गूगल फिट यूज करते हो और अगर आपको इस ऐप में जो आपका डेटा है जैसे स्टेप्स, किलो कैलोरी और डिस्टेंस, अगर आपको गूगल फिट के साथ उस डेटा को सिंक करना हुआ तो आप सिंक कर सकते हो। आपको करना है कनेक्ट, इस ऐप में जो भी डेटा होगा सेम डेटा आप देख पाओगे गूगल फिट ऐप में भी। अब बात करते हैं होम पेज की, जैसे आप होम पेज पे टैप करोगे तो यहां पे आपको शो करेगा आपका एक्टिविटी और वाइटल्स डेटा। तो सबसे पहले है स्टेप्स, इस पे टैप कीजिए, ये है आज के स्टेप्स, आज आप कितने स्टेप्स चले हो, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी आपने बर्न की है और कितने मिनट के लिए आप एक्टिव थे। इसके अलावा आप ग्राफ पे स्लाइड करके चेक कर सकते हो कितने बजे आप कितने स्टेप चले थे, और ये है डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस आइकन पे टैप करना है और उस डेट पे टैप करके उस डेट का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है स्लिप डेटा, तो अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका स्लिप डेटा रिकॉर्ड होगा, तो इस पे टैप कीजिए, कितने घंटे आप सोए टोटल, आपको कितने बजे नींद लगी, आप कितने बजे जागे, डीप स्लिप, लाइट स्लिप, रैपिड आई मूवमेंट, अवेक टाइम कैसा था और कितना था। रैपिड आई मूवमेंट को हम रेम भी कहते हैं, इसका मतलब होता है जब आप सोते हो, जब आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, सपने देखते हो, तब आपकी आंखें मूव करती है यहां से वहां, उस टाइम को भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप ग्राफ पे स्लाइड करके चेक कर सकते हो कि कितने टाइम के लिए कौन सी स्लिप थी। इसके अलावा पाई चार्ट शो करता है अलग अलग स्लिप स्टेज का और आपका स्लिप क्वालिटी स्कोर कितना है और कौन से लेवल में है, आपका हार्ट रेट सोने के दौरान कैसा था, एवरेज, मैक्सिमम और लोएस्ट, अगर आपने ऑटो हार्ट रेट ऑन रखा होगा तब ये शो करेगा। ये है डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। अगर आपको किसी भी दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस आइकन पे टैप करके उस दिन पे टैप करना है, उस दिन का रिकॉर्ड आपको यहां पे शो करेगा। फिर है हार्ट रेट, तो लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था, कितना आया था, यहां पे शो करता है, टैप कीजिए, और लास्ट टाइम आपने जितनी बार भी मेजर किया था लास्ट 7 टाइम उसका रिकॉर्ड यहां पे शो करता है, आप यहां पे देख सकते हो। अगर आपको यही से स्टार्ट करना हुआ हार्ट रेट मेजरमेंट को तो यहां पे आप टैप करिए, कमांड देकर आप स्टार्ट कर सकते हो और यहां से एंड भी कर सकते हो। इसके अलावा पहले से लेकर अब तक आपने जितनी बार भी हार्ट रेट को मेजर किया है अगर आपको उसे देखना हुआ तो आपको इस आइकन पे टैप करना है, आप यहां पे देख सकते हो कितनी तारीख को कितने बजे आपने मेजर किया था, कितना आया था, यहां पे आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। फिर है कंटिन्यूस हार्ट रेट डिटेक्शन, तो आप देख रहे हो यहां पे दो दो शो करेंगे, ये जो पहला है ये है मैनुअल मेजरमेंट का, मतलब आप जब अपनी वॉच में मेजर करते हो खुद से तब यहां पे शो करता है, और जो आपने ऑटोमेटिक सेट किया हुआ है वो यहां पे शो करता है। तो ऑटोमेटिक जो आपने सेट किया है वो लास्ट टाइम कब मेजर हुआ था, कितना आया था, यहां पे शो करता है, टैप कीजिए, आप ग्राफ पे स्लाइड करके चेक कर सकते हो कितने बजे कितना रिकॉर्ड हुआ था हार्ट रेट। इसके अलावा हार्ट रेट डेटा एनालिसिस को कितना टाइम हुआ है, कौन से जोन में है आपका हार्ट रेट, यहां पे शो करता है कितने टाइम के लिए। इसके अलावा ये है डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। अगर आपको पूरा डेटा चेक करना हुआ हार्ट रेट का पहले से लेकर अब तक तो आपको इस आइकन पे टैप करना है, आप देख पा रहे हो। अगर आपको कल का या किसी भी दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो उस डेट पे टैप कीजिए और आप उस दिन का भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से ग्राफ पे स्लाइड करके। फिर है बीपी, मतलब कि ब्लड प्रेशर, तो आपने अगर ब्लड प्रेशर को मेजर किया होगा अपनी वॉच में तो उसका डेटा यहां पे शो करेगा, लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था, कितना आया था, यहां पे शो करता है,
बीपी में होती है दो वैल्यू, ऊपर वाली जो होती है उसे कहते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाली डायस्टोलिक। तो नॉर्मली जो डेटा है आप देख पा रहे हो, ऊपर की वैल्यू 90 और 140 के बीच में होनी चाहिए और नीचे वाली जो वैल्यू है वो 60 से 90 के बीच में होनी चाहिए, तब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना जाएगा और आपने जो भी 7 टाइम मेजर किए हैं यहाँ पे शो करता है उसका रिजल्ट। और पहले से लेकर अब तक आपने जितनी बार भी मेजर किया है बीपी आपकी वॉच में, तो अगर आपको देखना हुआ तो आपको इस आइकन पे टैप करना है। ये है वो डेटा, कौन सी तारीख को कितने बजे आपने मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है ब्लड ऑक्सीजन मतलब कि SpO2, अगर आपने मेजर किया होगा अपनी वॉच में तो यहाँ पे शो करेगा, नॉर्मली 95 या उसके ऊपर होना चाहिए। लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था, कितना आया था, यहाँ पे शो करता है, टैप कीजिए। लास्ट 7 टाइम आपका जो भी रिजल्ट आया था यहाँ पे शो करता है। और पहले से लेकर अब तक आपने जितनी बार भी मेजर किया है, अगर आपको उसका सारा रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस आइकन पे टैप करना है। आप देख पा रहे हो कौन सी तारीख को कितने बजे आपने मेजर किया था, कितना आया था, यहाँ पे डिटेल में आप चेक कर सकते हो। फिर है आउटडोर रनिंग मतलब कि आप अपने फोन का जो GPS है उसका यूज करके आउटडोर रनिंग कर सकते हो, क्योंकि वॉच में आपको GPS नहीं मिलेगा, तो आप अपने फोन को साथ में लेकर वर्कआउट कर सकते हो। आउटडोर रनिंग आपको करना है अलाउ ऑल द टाइम, बैक जाइए, फिर आपको स्टार्ट करना है। आप लाइव रूट के साथ आउटडोर रनिंग कर सकते हो, आप कौन से रूट पे रनिंग कर रहे हो वो रूट भी आपको शो करेगा मैप में और वॉच में भी ये वर्कआउट स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितना टाइम हुआ है, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न हुई है, आपका पेस कितना है, पेस मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा, कितने स्टेप चले हो। और अगर आपको देखना हो आपका लाइव रूट तो मैप पे टैप कीजिए, आप कौन से रूट पे रनिंग कर रहे हो यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको बैक जाना हुआ तो नॉर्मल पे टैप कीजिए, अगर आपको इसे स्टॉप करना हुआ तो लॉन्ग प्रेस कीजिए पॉज करने के लिए, ये पॉज हो जाएगा। अगर आपको इसे एंड करना हुआ तो स्टॉप पे टैप कीजिए और ये एंड हो जाएगा। इसे सेव करने के लिए आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाकर ही यहाँ पे और आपकी वॉच में ये डेटा सेव होगा। फिर आपने जो भी वर्कआउट किया होगा उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा और आपने पहले से लेकर अब तक जितनी बार भी वर्कआउट किए हैं उन सभी वर्कआउट को अगर आपको देखना हुआ तो आपको लुक मोर ट्रेनिंग डेटा पे टैप करना है। ये है वो वर्कआउट जो आपने किए हैं, अगर आपको किसी को भी डिटेल में चेक करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है। ये है रनिंग के लिए, आपने कौन सी तारीख को कितने बजे किया था, आपका एवरेज हार्ट रेट कितना था यहाँ पे शो करता है और टाइम के हिसाब से आपका हार्ट रेट कैसे चेंज हुआ था आप यहाँ पे स्लाइड करके चेक कर सकते हो। कितने टाइम के लिए आपने किया था, स्टेप्स आप कितने चले थे, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया था, किलो कैलोरी एनर्जी कितनी बर्न की थी, स्पीड आपकी कितनी थी मतलब 1 घंटे में आप कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे, पेस कितनी थी, एवरेज हार्ट रेट आपका कितना था, आपका हार्ट रेट कौन से जोन में कितने मिनट के लिए था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दोस्तों ये था ऐप के बारे में, अब हम देखेंगे आपको वॉच में कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स मिल जाती है। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है 3 काम, अगर आप होम पेज पे होते हो ऐसे में अगर आपने इस पे प्रेस किया तो आप डिस्प्ले को ऑन या ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो और वहां से अगर आपको बैक आना हुआ स्टेप बाय स्टेप तो आप प्रेस करके स्टेप बाय स्टेप बैक जा सकते हो, और अगर आप इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को स्विच ऑफ या फिर स्विच ऑन कर सकते हो। होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे मैसेज सेंटर, यहाँ पे आप अपने जो मैसेज है उन्हें रीड कर सकते हो, और होम पेज पे होते हुए अगर आपने स्वाइप डाउन किया तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, आज की डेट और बैटरी लेवल यहाँ पे शो करता है। सबसे पहले है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी कॉल और नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और कोई भी साउंड या वाइब्रेशन नहीं होगा। फिर है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का ऑप्शन, तो आप यहां से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो स्लाइड करके इस तरीके से। फिर है पावर सेविंग मोड, तो बैटरी को सेव करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, अगर आप इसे ऑन करोगे तो होंगी 4 चीजें, वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा, रेस्ट टू वेक का फीचर काम नहीं करेगा, कॉल का फीचर भी काम नहीं करेगा और ब्राइटनेस कम हो जाएगी, आप देख सकते हो इस तरीके से। फिर है मेनू स्टाइल, तो आप 8 अलग अलग स्टाइल में मेनू को शो कर सकते हो, तो इस पर टैप कीजिए। सबसे पहले है लिस्ट, तो ये है लिस्ट व्यू इस तरीके से। इसके बाद है हनीकॉम, ये है हनीकॉम मेनू। फिर इसके बाद है
ग्रिड 3x4 फिर है पैरेलल इस तरीके से 3x3 फिर है सरफेस तो आप यहां पे भी स्वाइप कर सकते हो और ऐसे भी स्वाइप कर सकते हो। फिर है क्रेसेंट मून स्टाइल इस तरीके से फिर है फुल मून आपको ऐसे स्वाइप करना है चेंज करने के लिए। फिर है हेल्प तो ये सर्कल वाला मान लो अगर आपको ओपन करना है गेम्स को तो गेम्स को नीचे लाइए फिर बीच में आने पर उस पर टैप कीजिए बाद में ओपन हो जाएगा। और फिर आगे है कॉलिंग फीचर को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन तो अब ये कलर में शो कर रहा है मतलब कि कॉलिंग का फीचर ऑन है कॉल अगर आएगा तो आप अपनी वॉच से उससे रिसीव कर सकते हो लेकिन अगर आपको कॉल के फीचर को यूज करना नहीं हुआ तो आप इसे ऑफ कर सकते हो कॉल शो करेगा यहां पे लेकिन आप कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे अपनी वॉच में। और कॉलिंग के फीचर को ऑन करने के लिए आप वापस टैप कीजिए और ये फीचर ऑन हो जाएगा। और फिर एंड में है सेटिंग्स का ऑप्शन। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज अगर आपको बैक जाना हुआ तो आप जेस्चर का यूज करके भी बैक जा सकते हो आपको ऐसे स्वाइप करना है इस तरीके से स्वाइप करके आप बैक जा सकते हो। तो सेटिंग्स में है पहले डिस्प्ले डिस्प्ले में पहले है ब्राइटनेस तो आप यहां से भी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद है ऑटो स्लिप मतलब वॉच के डिस्प्ले को कितने सेकंड के लिए ऑन रखना है तो मान लो मैंने किया है 20 सेकंड तो 20 सेकंड तक डिस्प्ले ऑन रहेगा उसके बाद ऑफ हो जाएगा मैक्सिमम आप 30 सेकंड तक इसे रख सकते हो। फिर है वॉच फेस तो आप यहां से भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो आपको मिलेंगे यहां पे इनबिल्ट 10 वॉच फेसेस आपको जिसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए और वो सेट हो जाएगा या फिर आप इस पे लॉन्ग टैप करोगे होम पेज पे आप यहां पे भी स्वाइप करके उन्हें चेंज कर सकते हो इस तरीके से। फिर है कॉल अलर्ट मतलब कि अगर कॉल आएगा तो आपको किस तरीके से अलर्ट चाहिए तो कॉल अलर्ट पे टैप कीजिए। इसमें होती है दो चीजें मोड और इंटेंसिटी। मोड में अगर आप जाओगे तो यहां पे मिलेंगे आपको 3 ऑप्शन पहला है वाइब्रेट मतलब कि कॉल आएगा तो आपकी वॉच केवल वाइब्रेट करेगी साउंड नहीं होगा। फिर है कॉल अलर्ट मतलब कि साउंड करेगा आपकी वॉच में रिंगटोन बजेगी। और फिर है म्यूट तो अगर कोई कॉल आता है तो कोई भी साउंड नहीं होगा और वाइब्रेशन भी नहीं होगा आपकी वॉच में तो आपको जो सेट करना है अलर्ट मोड आप उसे सेट कर सकते हो। इसके बाद है इंटेंसिटी मतलब वाइब्रेशन वाइब्रेशन कितनी होनी चाहिए अगर कोई कॉल आता है तो आप स्ट्रॉन्ग या सॉफ्ट रख सकते हो अगर आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो आप क्लोज पे भी रख सकते हो। फिर है डीएनडी मोड तो आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो डीएनडी मोड को। फिर है लो पावर मोड मतलब बैटरी सेविंग मोड तो आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो हमने देख लिया इसे पहले ही। फोन का फीचर आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर है बीटी रिसेट मतलब कि ब्लूटूथ रिसेट अगर आप इस पे टैप करोगे तो जो भी कॉलिंग का फीचर है वो रिसेट हो जाएगा जो भी आपने कॉन्टैक्ट्स ऐड किए हैं आपके जो भी कॉल हिस्ट्री है वो सब कुछ इरेज हो जाएगा। इससे वॉच इरेज नहीं होगी इससे केवल इरेज होगा आपके कॉल फीचर का ऑप्शन। फिर है सिस्टम इसमें आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन रिस्टार्ट करने का आप यहां से अपनी वॉच को रिस्टार्ट कर सकते हो स्विच ऑफ कर सकते हो और आप अपनी वॉच को यहां से रिसेट भी कर सकते हो सारा डेटा यहां से क्लियर हो जाएगा। फिर है अबाउट तो अबाउट में आपको मिलेगा वर्जन मैक एड्रेस क्या है मॉडल नेम क्या है और वर्जन कौन सा है। फिर है ऐप QR तो आप इस QR कोड को स्कैन करके दाफिट इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो हालांकि हमने पहले ही डाउनलोड कर लिया है तो अब इसे स्कैन करने की जरूरत आपको नहीं है। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की तो जैसे आप स्वाइप लेफ्ट करोगे आपको मिलेगा सबसे पहले एक्टिविटी डेटा तो स्वाइप अप कीजिए तो ये है आज का डेटा आज आप कितने स्टेप चले हो कितनी किलो कैलोरी एनर्जी आपने बर्न की है कितने मिनट के लिए आपने एक्टिविटी की थी। फिर ग्राफ वाइज आपको यहाँ पे शो करता है आपके स्टेप्स और वीकली ट्रेंड इस हफ्ते आप कितने स्टेप चले हो। फिर इसके बाद है कॉल फंक्शन सबसे पहले है रिसेंट कॉल अगर आपने किसी को भी कॉल किया होगा तो उसकी कॉल हिस्ट्री यहाँ पे शो करेगी आप यहाँ पे अपने जो लेटेस्ट 4 कॉल्स है यहाँ पे देख सकते हो और वापस अगर आपको इन्हें कॉल करना हो तो इस पर टैप कीजिए उन्हें वापस आप कॉल कर सकते हो। कॉल जब आप करोगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन दिया गया है तो आप यहाँ पे वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद सबसे पहले है माइक का ऑप्शन तो आप यहाँ से माइक को ऑन या ऑफ कर सकते हो अगर आप बोलोगे तो सामने वाले को आवाज नहीं जाएगी आप क्या बोल रहे हो अगर आप माइक को ऑफ रखते हो तो। इसके बाद है कॉल को स्विच करने का ऑप्शन तो यहाँ पे टैप कीजिए कॉल जो है अब फोन पे स्विच हो चुका है आप देख सकते हो।
लेकिन अगर आपको कॉल को वापस ठीक स्विच करना है आपकी वॉच पे, तो इस पर टैप कीजिए। कॉल जो है अब वापस वॉच पे आ चुका है। अगर आपको इसे कट करना हो तो आप टैप कीजिए कट पे, जो कॉल होगा कट हो जाएगा। और जो कॉल हिस्ट्री है आप इसे क्लियर भी कर सकते हो, क्लियर ऑल करिए तो जो कॉल हिस्ट्री है यहां से क्लियर हो जाएगी। फिर है डायल पैड, तो अगर आपने किसी भी कॉन्टैक्ट को सेव नहीं किया है तो आप उस नंबर को यहां पे डायल करके कॉल कर सकते हो इस तरीके से। और लास्ट में है कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन जो हम देख चुके हैं, तो आपने जो भी 8 कॉन्टैक्ट्स को सेव किए थे यहां पे सिंक होके आपको शो करेंगे, और आपको जिसे भी कॉल करना है आप उस पर टैप करिए वो कॉल हो जाएगा। फिर इसके बाद है स्लीप डेटा, तो कितने बजे आप सोए, कितने बजे आप जागे, ये टाइम यहां पे शो करता है कितने घंटे के लिए आप सोए थे। स्वाइप अप कीजिए, आपको मिलेगा स्टार 1 से लेकर 5 के बीच में आपके स्लीप क्वालिटी के हिसाब से। फिर आपका अवेक टाइम, रेम, लाइट स्लीप, डीप स्लीप कैसी है यहां पे ग्राफ वाइज शो करता है। फिर इसके बाद है हार्ट रेट डेटा, तो यहां पे आपका रिजल्ट शो करेगा आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा था यहां पे शो करता है। स्वाइप अप करोगे तो आज का जो हार्ट रेट है कौन से जोन में है और आपने मेजर किया होगा या ऑटो पे सेट किया होगा तो डेटा यहां पे शो करता है ग्राफ वाइज। फिर इसके बाद है म्यूजिक प्लेयर, तो आप अपनी वॉच में म्यूजिक को प्ले भी कर सकते हो और आपके फोन का जो म्यूजिक है उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। हालांकि जो म्यूजिक है वो आपके फोन का ही होगा, आप अपनी वॉच में म्यूजिक को स्टोर नहीं कर सकते। टैप कीजिए, अब जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है आपकी वॉच में, आप यहां से वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो, यहां से प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि जो म्यूजिक है आपको अपने फोन में प्ले करना है, वॉच में प्ले नहीं करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आपको अपने फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाना है, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और फिर जो ये है ऑडियो फायरबोल्ट 047, इसके सामने गियर का आइकन है उस पर टैप कीजिए और ऑडियो को करिए डिसेबल। इसके बाद क्या होगा, अब जो म्यूजिक होगा प्ले होगा आपके फोन में, आप देख सकते हो। अगर आपको वापस प्ले करना है आपकी वॉच में तो इसे ऑन कीजिए, म्यूजिक प्ले होगा अब आपकी वॉच में। फिर इसके बाद है वेदर डेटा, अभी फिलहाल कितना है, आज का सनराइज सनसेट टाइम कितना है। स्वाइप अप कीजिए तो अगले 6 दिन का आपको वेदर फोरकास्ट शो करेगा मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के साथ। इसके अलावा स्वाइप कीजिए तो यहां पे जो आप शॉर्टकट्स से ऐड कर सकते हो, तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए, यहां पे आपको मिलेंगे ब्लड प्रेशर, SpO2, ट्रेनिंग, मैसेज, शटर, रिलैक्स, अलार्म, टाइमर, स्टॉपवॉच और कैलकुलेटर। तो मान लो मुझे यहां पे ऐड करना है शटर और इसके बाद मुझे अब ऐड करना है कैलकुलेटर और इसके बाद अलार्म, तो आपको जो ऐड करने हैं आप उन्हें ऐड कर सकते हो शॉर्टकट्स में। तो जैसे हमने यहां पे ऐड किया है शटर, तो आप शटर पे टैप करके जो फोटो है कैप्चर कर सकते हो, लेकिन ऐप का होना जरूरी है, वापस आपको टैप करना है। लेकिन अगर ऐप ओपन होगा नहीं तो फोटो कैप्चर नहीं हो पाएगी, आप देख सकते हो। आपको मिलेगी एक नोटिफिकेशन, आपको उस पर टैप करना है और फिर कैमरा ओपन होगा, फिर उसके बाद आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो इस तरीके से। फिर इसके बाद है कैलकुलेटर, तो यहां पे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हो और परसेंट भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको परसेंट फाइंड करना हुआ, मान लो 500 के 20%, तो 500 के 20% तो ये होता है आंसर। तो इस तरीके से आप परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हो, क्लियर यहां से कर सकते हो। फिर आगे है अलार्म, तो आप अलार्म को यहां पे ऑन ऑफ भी कर सकते हो और जो भी आपने सेट किया आपके ऐप में अलार्म यहां पे शो करेंगे। आप अलार्म को क्रिएट भी कर सकते हो, टैप कीजिए, आप यहां पे टाइम भी सेट कर सकते हो, AM PM यहां पे चूज कीजिए, फिर यहां पे आपको आवर और मिनट सिलेक्ट करना है, ये है आवर और ये है मिनट। हालांकि टच इसका उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है,
मैंने ये नोटिस किया है वॉच को यूज करने के दौरान। फिर आपको टिक पे टैप करना है। इस तरीके से आप जो अलार्म है सेट कर सकते हो और जो दिन है आप उन्हें भी चूज कर सकते हो, कौन से दिन के लिए आपको अलार्म चाहिए। तो यहां पे आप उन दिन को भी चूज करिए और फिर टिक पे टैप कीजिए। अब बात करते हैं मेन मेनू की। जैसे आप स्वाइप राइट करोगे तो ये है मेन मेनू। सबसे पहले है यहां पे वॉइस असिस्टेंट, मतलब आप अपने फोन में गूगल असिस्टेंट या सीरी का यूज कर सकते हो। यही से आप टैप कीजिए, हाउ इज द वेदर टूडे। It's 28 with light showers. Today, there'll be scattered thunderstorms with a high of 29 and a low of 27. अगर आपका फोन लो भी होगा फिर भी ये काम करेगा। Tell me live cricket score. Today, India will play West Indies at 7 pm. Pakistan is bowling. Sri Lanka has scored 191 for 5 in their second innings. इसके बाद है settings, calculator, games, find my phone. टॉर्च का ऑप्शन यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से एक्सेस कर सकते हो इन्हें। और बाद में है मेन मेनू के ढेर सारे ऑप्शन, इस पर टैप कीजिए और आप यहाँ पे मेन मेनू को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले है एक्टिविटी पेज जो हम देख चुके हैं, फोन कॉल भी देख चुके हैं, हार्ट रेट, स्लीप डेटा ये भी हम देख चुके हैं। और यहां से आप जो ब्लड प्रेशर है उसे मेजर कर सकते हो। यहाँ पे दो वैल्यू मेजर होगी, आपका मैक्सिमम मिनिमम कौन से रेंज में है, एसबीपी डीबीपी यहाँ पे शो करता है, ये है आज का डेटा। और स्वाइप अप करने के बाद नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, लास्ट 7 वैल्यू आपकी कैसी थी यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद है SpO2, तो आप यहाँ से मेजर कर सकते हो अपना SpO2। नॉर्मली 95 है, उसके ऊपर होना चाहिए, आज का मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे शो करता है। और लास्ट 7 टाइम जो आपने मेजर किया था यहाँ पे उसका डेटा शो करता है। इसके बाद है ट्रेनिंग, मतलब कि वर्कआउट मोड। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 120 वर्कआउट मोड, जिसमें ये है डिफॉल्ट वर्कआउट मोड। रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्लाइंबिंग, टेनिस, रग्बी, गोल्फ, योगा, फिटनेस, डांसिंग, बेसबॉल, इलिप्टिकल, इंडोर साइकिलिंग, फ्री रनिंग, रोइंग मशीन। यहाँ पे आपको मिलेंगे एक साथ 19 वर्कआउट मोड। अगर आपको ऐड करना हुआ तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है और आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में जो स्पोर्ट्स है उन्हें ऐड कर सकते हो। मान लो मुझे आउटडोर में से ऐड करना है तो मैं आउटडोर पे टैप करूंगा और यहाँ पे मैं करूंगा रॉक क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, रोलर स्केटिंग, इसके अलावा पैराग्लाइडिंग। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किए हैं। अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अब आपको ऊपर में शो करेंगे जो आपने ऐड किए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहे जो आपने अब ऐड किए हैं। तो आप एक साथ यहाँ पे 19 वर्कआउट मोड को ऐड करके रख सकते हो। अगर आपने नए वर्कआउट मोड को ऐड किया तो नीचे वाले जो वर्कआउट मोड होंगे वो यहां से रिमूव हो जाएंगे। अगर आपने 3 नए ऐड किए हैं तो यहां से 3 पुराने रिमूव हो जाएंगे। अगर आपको किसी को भी स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस वर्कआउट मोड पे टैप करना है। हालांकि आप जो गोल है उसे भी सेट कर सकते हो। तो आपको जो टारगेट का आइकन शो कर रहा है उस पर टैप कीजिए। आप कितने टाइम तक करना चाहते हो, कितनी एनर्जी बर्न करने तक करना चाहते हो या कितना डिस्टेंस कवर करने तक करना चाहते हो, आपको यहाँ पे गोल सेट करना है। तब वो गोल अचीव हो जाएगा तो आपको आएगा अलर्ट वर्कआउट करने के दौरान, या फिर आप बिना गोल के भी इसे स्टार्ट कर सकते हो ओपन गोल। तो वर्कआउट मोड स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पे आपको शो करता है टाइम, कितने स्टेप्स हुए हैं टोटल, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न हुई है, हार्ट रेट आपका कितना चल रहा है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, आपका हार्ट रेट कौन से जोन में है। अगर आपको इसे एंड करना हुआ तो स्वाइप कीजिए, आप यहां से इसे पॉज कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो और यहां से इसे एंड भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ये डेटा सेव हो आपके ऐप में और इस वॉच में, तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए ये करना पड़ेगा। और जो भी वर्कआउट आप करोगे उसका डेटा अगर आपको देखना हुआ तो आपको मिलेगा ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स में, तो आपको इस पर टैप करना है। जो भी वर्कआउट आपने किए यहाँ पे शो करता है। आपको अगर किसी के बारे में जानना हुआ डिटेल में तो उस पर टैप कीजिए। तो आपको शो करेगा टाइम, स्टेप्स, किलो कैलोरी एनर्जी, एवरेज हार्ट रेट और डिस्टेंस। हालांकि आप इन्हें क्लियर भी कर सकते हो सभी को क्लियर ऑल करके। फिर है वेदर डेटा जो हम देख चुके हैं, मैसेज यहां से भी आप रीड कर सकते हो। इसके बाद है शटर, तो आप यहां से भी ओपन कर सकते हो। म्यूजिक प्लेयर जो हम देख चुके हैं, रिलैक्स, यहां पे दो तरीके से आप जो ब्रीदिंग वर्कआउट है कर सकते हो। अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपको स्ट्रेस वाला करना है, आप टाइम सेट करिए फिर आपको स्टार्ट करना है। जैसे ये सर्कल बड़ा होता है छोटा होता है उस तरीके से आपको सांस लेनी है छोड़नी है। छोटा हो रहा है मतलब सांस छोड़नी है और बड़ा हो रहा है मतलब सांस लेनी है। इस तरीके से आपको वर्कआउट करना है। तो अगर आपको सोने से पहले वर्कआउट करना हुआ ब्रीदिंग वर्कआउट, तो आपको इसे
सेट करना है, टाइम सेट करिए और फिर आप इस तरीके से इसे कर सकते हो। फिर आगे है काउंटडाउन मतलब कि टाइमर का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग टाइमर, या आप अपने हिसाब से कस्टमाइज पे टैप करके मैक्सिमम 23 आवर 59 मिनट और 59 सेकंड मतलब कि ऑलमोस्ट 24 आवर तक का जो टाइमर है उससे स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से प्ले कीजिए, स्टॉप कीजिए, बैक जाइए। फिर आगे है अलार्म का ऑप्शन जो हम देख चुके हैं, स्टॉप वॉच, तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो स्टॉप वॉच को और आप यहां पे एक साथ 3 लैप्स को भी क्रिएट कर सकते हो। स्टॉप कीजिए, रिसेट कीजिए, बैक जाइए। फिर है मेंस्ट्रुएशन, तो अगर आप एक फीमेल हो और अगर आपने फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर ऐड किया है इस ऐप में, तो यहां पे शो करेगा कि आपके पीरियड चल रहे कि नहीं, कौन से दिन में है, आप यहां पे देख पा रहे हो। अब ये डे 2 है, डे 3 है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। फिर है फ्लैशलाइट, तो आप यहां से फ्लैशलाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। फिर है फाइंड फोन, तो अगर आपको अपना फोन ढूंढना हुआ, मान लो आपने अपने फोन को कहीं पे रखा है लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, तो आप इस पे टैप करके अपने फोन में रिंग कर सकते हो। आपका फोन अगर साइलेंट पे भी हुआ फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी। वापस टैप कीजिए, रिंग बज रही है, स्टॉप करने के लिए बैक जाइए या फिर टैप कीजिए। फिर है गेम का ऑप्शन, इसमें मिलेंगे आपको 4 गेम्स, हैमस्टर, बैटलशिप, 2048 और फ्लूपी, तो प्ले कर सकते हो आप इस तरीके से। फिर है कैलकुलेटर जो हम देख चुके हैं और अदर मतलब सेटिंग्स जो हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों ये थे वो फीचर्स और सेटिंग्स जो आपको देखने मिलते हैं इस वॉच में, और ये था फायरबोल्ट वंडर स्मार्ट वॉच का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।